व इस पीने की धर्म गुरुओं से मीटिंग बिजनौर जनपद के विकास भवन में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पूरे जनपद के साथ धर्म गुरुओं की एक मीटिंग आने वाले त्योहारों के मद्देनजर देखते हुए कि इस मीटिंग में पूरे जनपद के थानों से प्रभारी निरीक्षक और प्रत्येक तहसील के उप जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। जनपद के प्रत्येक थानों से आए व्यक्ति ने त्योहार पर होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और उस समस्या को त्वरित निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए। बाइट उमेश मिश्रा जिलाधिकारी बिजनौर, बाइट डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर। या किसी मंदिर के पुजारी या किसी राजनीतिक संगठन के, सबका स्वागत सम्मान, सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मीटिंग अभी इस हॉल में जो इस समय हम लोग एकत्रित है, खास करके तीन त्योहारों के लिए बुलाई गई है। एक तो ईद और उससे पहले अगर तीस शुक्रवार को नहीं अगले शुक्रवार को एक नमाज होगी और 3 तारीख को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया है। तो इसके लिए हम लोग जो बंदोबस्त है, पहले पिंटागर मीटिंग हो चुकी है और एक पीस का मीटिंग थोड़ा सा और हम लोग देर में करते, 2-4 दिन बात करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि अभी तक पीस कमेटी की मीटिंग शायद नहीं की गई। तो आनंद भवन में आपने देखा होगा, हम लोगों ने ये सोच को बताया था कल या परसों, हमने कहा जो है थोड़ा सा आपका लोकल स्तर पर इंटरेक्शन हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, फिर अलविदा की नमाज और अक्षय तृतीया वो लोकल स्तर पर देख लेंगे 1-to-1, क्योंकि इतने लोग जो यहाँ पर एकत्रित हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं तो पूरे जनपद का प्रतिनिधित्व है। बस जो अन्य विभाग के अधिकारी डीएम साहब के अंडर में जो है ये मीटिंग करके ज्ञात कर चुके हैं, तो उस पर हम लोग अमल करेंगे। 3-4 चीजें जो अभी तक कोरोना गाइडलाइन का जो पाबंदी थी, उसके बाद इधर त्योहार पूरे शबाब के साथ पूरे जोश खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं, तो इधर कोरोना ने दस्तक दे दिया है। देखिए बिजनौर से महफूज रहे, दूर रहे तो ज्यादा ठीक है। तो 2-3 चीजें बताई गई है। एक तो किसी भी समुदाय द्वारा त्योहार परंपरागत रूप से मनाया जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई जैन सिख जैनियों का भी इधर त्योहार मनाए गए और बुद्ध का तो यहाँ है नहीं, ईसाइयों के भी कल 1-2 दिन पहले थे और सरदारों के भी हैं। तो जो भी त्योहार है सब परंपरागत रूप से मनाए जाए। अगर परंपरा को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्ती से बर्ताव हो। कोई विशेष आयोजन है तो उसने परमिशन लिया है कि नहीं, इसको देखने की आवश्यकता है। और स्थानीय अधिकारियों को बता दिया गया है कि चाहे हनुमान चालीसा हो या अचानक रोड पर नमाज पढ़ने की बात हो या जो गैर परंपरागत रूप से हो वो न होने पाए, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। अब जो भी परमिशन दी जाएगी इस बात का एफिडेविट जरूर लिया। धार्मिक गुरु एवं संभ्रांत नागरिकों जिनकी जिम्मेदारी है इस जिले में अमन चैन स्थापित करना, आपसी सौहार्द बनाए रखना, आज इसी भावना से सबको यहाँ बुलाया गया है कि एक हम लोग डिस्कशन कर सकें, कहीं कोई समस्या है, किसी प्रकार की जो फैसिलिटी दी जाती है उन पे कोई हम लोगों के स्तर से और क्या कार्रवाई की जानी है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि कहीं सड़क खराब है, कहीं पानी की समस्या है, इसमें गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैंने कई क्षेत्रों में मुझे लोगों ने व्हाट्सएप किया है 2-3 दिन में इधर की पानी की समस्या है, तो वहाँ व्यवस्थाएं कराई गई हैं, कहीं भी कोई समस्या इस प्रकार की है तो मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करूँगा, यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जहाँ भी इसमें बिजली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइन लासित भी हो रहे हैं, तार टूट रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कहीं में ट्रांसफार्मर हमारे पहुंच जा रहे हैं ओवर लोड होने के कारण, तो हमको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा और कहीं कोई फॉल्ट होती, कोई समस्या होती तो उसको तत्काल हम लोग उसको रिपेयर कर सकें, उसको चालू करा सकें।
बिजली विभाग के सभी अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा इस मामले में बहुत अटेंटिव रहे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और जो भी आपके नीचे के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनकी पूरी सूचना एक्शन आइडल से कौन है एक्शन साहब, मैं चाहूंगा कि ये जो सूचना है मोबाइल नंबर अधिकारियों कर्मचारियों का वो सभी थाना अध्यक्षों को एसडीएम साहबान को सभी को आप शेयर कर दीजिए, और ये अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखें, उसको स्विच ऑफ करके लापता न हो जाए इसको सुनिश्चित करें। ये मैं चाहूँगा कि आप आदेश भी जारी कर दीजिएगा और इसमें मीटिंग करके सबको समझा दीजिएगा कि इस दौरान सबका मोबाइल ऑन होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तत्काल टेक्निकल देखें। नगर पालिका के लोग यहाँ होंगे, नगर पालिका की साहबान है, हाँ है, आप लोगों से मैं कुछ चीज़ें चाहूँगा कि पानी की सप्लाई, कहीं खराब पानी आ रहा है, कई नगर पालिकाओं से मुझे सूचनाएं आई हैं कि वहाँ की क्वालिटी ठीक नहीं पानी की, ये स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग देख लें, गर्मी का महीना है, पीने के पानी की बहुत सारी शॉर्टेज न हो, कहीं किसी भी स्थिति में ये स्थिति पैदा न हो, कहीं दो तीन जगह टैंकर की व्यवस्था करानी पड़ी है, तो आप वहाँ देख लें कहीं कोई हैंडपाइप खराब है तो उसको रिपोर करा दें, रिपेयर करा दें, और यदि कहीं ये भी पैदल व्यवस्था रखें कि कहीं बिजली के फॉल्ट हो जाए।